नागपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच शहर में कोरोना से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को शहर के मेयो अस्पताल में 5 मरीजों को छुट्टी दी गई। जहां एक ओर शहर में कोरोना के मरीजों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में कोरोना से जंग जीत कर घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शहर में अब तक 111 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंगलवार को मेयो अस्पताल से 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिसमें एक माँ भी शामिल थी, जिसने कोरोना पॉजिटिव रहते हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद माँ ने अपनी बेटी को 14 दिनों के बाद हाथ में लिया। माँ और देखने वालों के लिए एक भावनिक पल था। माँ की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को माँ के हवाले किया। वही बच्ची को जन्म के बाद कोरोना की बाधा नहीं हुई थी। इसके अलावा 4 अन्य मरीजों ने भी कोरोना को मात दी है, जिसमें 3 सतरंजीपुरा और 1 कमाल चौक का निवासी है। आज हमारे यहाँ से कुल मिलाकर 5 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। इनका यहाँ पर सफल इलाज होकर आज सुबह एक लेडीज को डिस्चार्ज किया गया जो मोमिनपुरा की निवासी है। अभी और एक फीमेल पेशेंट जो मोमिनपुरा की निवासी है उनको डिस्चार्ज किया गया है, और 3 पेशेंट जिसमें से 2 पुरुष है और 1 महिला है, इन्हें सतरंजीपुरा के हैं, रहवासी है, इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और अभी तक कुल मिलाकर हमारे यहाँ से 57 पेशेंट कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2020 रोजी सदर गरोदर महिला ही इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे तपासणीकरिता आलेली होती। ANC चेकअपसाठी ते आल्यानंतर कंटेनमेंट क्षेत्रातून मोमिनपुरा येथील असल्यामुळे महिलेला इमिजिएटली बाकी रुग्णांपासून सेपरेट करण्यात आलेला आला। तिला क्वारंटाईन करण्यात आला, स्वॅबकडून लॅबमध्ये तपासणीकरिता पाठविण्यात आलेला होता। सकाळी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आल्यानंतर महिलेची जी आहे ती सुरक्षितरित्या प्रसूती करण्यात आलेली आहे, आणि प्रसूती झाल्यानंतर बाळाला महिले आईपासून इमिजिएटली सेपरेट केला। त्याच्यानंतर बाळाचं जे आहे ते स्वॅब पाठविण्यात आलेला होता, स्वॅब निगेटिव्ह आलेला होता। 14 दिवस जे आहे तब्बल आई ही आपल्या मुलीपासून सेपरेट ठेवण्यात आलेली होती। मुलीवर जे आहेत ते आमच्या येथील पेडियाट्रिक डिपार्टमेंटच्या मार्फत कंटिन्युअसली लक्ष देण्यात येत होतं। याबद्दल आम्ही आमचे वरिष्ठ जे अधिकारी आहेत त्यांना पूर्ण माहिती दिलेली होती। दिनांक 11 आणि 12 रोजी 2 सॅम्पल 14 आणि 15 दिवस निगेटिव्ह आल्यानंतर आज आईला जे आहे ती सुट्टी देण्यात आली। मुलीचं पण एक सॅम्पल काढण्यात आलेला होता आणि तो सॅम्पल निगेटिव्ह आल्यामुळे आज त्यांना एक डिस्चार्ज करण्यात आलेला आहे। याबद्दल आमच्या विभागातील सचिव माननीय डॉक्टर संजय मुखर्जी सर, माननीय डॉक्टर तात्याराव लहाने सर यांना संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे। त्यांनी जातीने या पूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष दिलेलं होतं। आमच्या येथील विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार सर, माननीय जिल्हाधिकारी डॉक्टर ठाकरे सर यांना पण याबाबत पूर्णतः माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांनी पण पूर्ण वेळ आम्हाला त्यात सहकार्य केलेलं आहे। V24 तास के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।